दिसंबर 2012 से हल्दी घाटी से गुरुदेव भगवान पैदल चल रहे हैं, 5.25 वर्ष से आप पैदल चल रहे हैं। लगभग 9600 कस्बों में आपने गौ माता की कथा बताई है और 47,000 किलोमीटर पैदल चलते हुए गुरुदेव भगवान चुरू में प्रवेश कर रहे हैं 23 तारीख को। 23 तारीख को शाम को 5-7 बजे राम मंदिर पुरानी सड़क पर भव्य गौ माता जी का एक प्रवचन होगा क्रांतिकारी। 24 तारीख को विशाल कलश यात्रा का आयोजन होगा 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, राम मंदिर से लेकर के पार्क के नौरे तक 21,000 कस्बों की यात्रा, और 25 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक भव्य गौ माता जी की कथा का आयोजन होगा जिसमें 20,000 से 25,000 लोग हिस्सा लेंगे। इतने बड़े पंडाल की व्यवस्था करवाई गई है कि सभी चुरू के लोग गौ माता जी की महिमा को समझ सके, जान सके। इस गौ माता जो कथा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गौ माता जी की कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग गौ माता के माध्यम से स्वयं के दुख मिटाए, ना कि गाय माता के दुख मिटाने। गाय माता तो वैसे ही भगवान का स्वरूप है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों के दुख मिटे और संपूर्ण भारतवर्ष आनंद के साथ जीवन जिए, इस उद्देश्य से गुरुदेव भगवान ने यात्रा निकाली है। दूसरा उद्देश्य है कि पर्यावरण की रक्षा हो, और तीसरा उद्देश्य है कि लोग अध्यात्म को समझ सके, धर्म को पाखंड से ना जोड़ करके मुख्य वैज्ञानिक हमारा धर्म क्या है इस बात को जान सके। इस कथा में कोई चढ़ावा, कोई और प्रसाद या कुछ ऐसा सहयोग लिया जाता है? इस कथा में किसी भी प्रकार की दान, चंदा, भेंट वस्तु, उपहार स्वीकार नहीं किए जाते, यहाँ तक कि ना ही आरती की थाली जन जन तक घुमाई जाती। गुरुदेव भगवान व्यासपीठ से ही आरती के दर्शन करवाते हैं, ना ही किसी प्रकार का यहाँ दान पात्र रखा जाएगा, ना ही रसीद बुक की कोई व्यवस्था है। एक अद्भुत कथा होगी।